ये तो एक पैटर्न होता है मार्केट में कि जब भी सीजन अप होता है या सीजन डाउन होता है, दोनों ही टाइम में जो पेमेंट का फ्लो होता है वो काफी कम होता है। देखो जब सीजन डाउन होता है तो एकदम से सेल रुक जाती है, जितना आपके पास स्टॉक होता है वो वहीं का वहीं आपका एकदम से स्टॉप हो जाता है, उसकी मूवमेंट रुक जाती है, तो जो पेमेंट आपकी मार्केट से आ रही है वो रुक जाती है। लेकिन जब सीजन अप होता है तब थोड़ा सा डिफरेंट चीज होती है, लेकिन पेमेंट का फ्लो जितनी डिमांड होती है उसके मुकाबले बहुत कम रहता है। ऑर्डर मार्केट से आने शुरू हो जाते हैं लेकिन आपके पास जो कलेक्शन है वो बहुत कम रहती है, क्योंकि सीजन अभी आया नहीं है, अभी आना है, और जो मार्केट की पेमेंट कलेक्शन है वो कम है, तो आपकी रिकवरी भी कम है वहां पे। तो ये सारी चीजें तो आपको सीजन के टाइम मेंटेन करनी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ऑफ सीजन है या सीजन आ रहा है तब आपको पेमेंट की प्रॉब्लम है। जब इसका जो मेन कारण है वो यही है कि आपने जब सीजन था तब आपने फाइनेंस को अच्छी तरह मैनेज नहीं किया है वहां पे, तब आपने एक्सेसिव पेमेंट मार्केट से निकाला है, तो तब आप ये सोच के चलो कि जब सीजन डाउन आएगा तब आप कैसे वेंडर की पेमेंट करोगे, या जब एकदम से सीजन अप आएगा आपके पास डिमांड ज्यादा होगी पेमेंट कम होगी तो तब आप कैसे मैनेज करोगे। तो ये सारी चीजें आपको सीजन में सोच के चलनी है। सीजन में अगर आप पेमेंट अच्छी तरह देते हो, अपने बैलेंस को मिनिमम रखने की कोशिश करते हो, तो फिर आपको एकदम से जब ऑफ सीजन आएगा तब माल की प्रॉब्लम नहीं होगी, तब वेंडर आपका माल नहीं रोकेगा, और जब एकदम से सीजन आएगा और आपकी डिमांड बढ़ेगी और आपके पास पैसा नहीं होगा तब भी आप पे वेंडर और पैसा लगाने के लिए तैयार रहेगा।